आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जो ट्रेड साइकिल है, और ट्रेड साइकिल के अंतर्गत जो चारों फेज हैं, ठीक है, चार आपके पास स्टेज हैं, इन चारों स्टेज के लक्षण क्या होंगे, इन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, कल मैंने आपके साथ बात की थी कि आपकी इकोनॉमी अवसाद में आती है, रिकवरी होती है, पुनरुत्थान होता है और फिर से मंदी में ग्रसित होती है। तो इन चार स्टेज के अलावा दो पॉइंट को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एक फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट को डिस्कस किया था और एक आपका पॉइंट था जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो चलिए आज उन लक्षणों को और प्रॉपरली देखते हैं और कुछ आपके प्रश्नों को भी मैं समाहित करते हुए चलूंगा जो आपने कल प्रश्न पूछे थे। तो जैसे कि एक प्रश्न था कि सामान्य मूल्य तथा बाजार मूल्य में क्या अंतर होता है, क्योंकि जब तक इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आएगा तब तक आपको ट्रेड साइकिल समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती रहेंगी। तो चलिए हम एक देखते हैं इसको टॉपिक को। तो मैं आपके साथ बात कर चुका हूं अर्थ, परिभाषाएं, अवस्थाएं और ये स्टेजेस, यहां तक हमने कल बात की थी। अब यहीं पर मैं एक बात आपको और बता देना चाहूंगा कि एवरेज जो प्राइस होता है, एवरेज प्राइस जो होता है वो वास्तव में सामान्य मूल्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सामान्य मूल्य क्या होता है? सामान्य मूल्य जिसको आप लोग जनरल प्राइस या एवरेज प्राइस कहते हो, तो सामान्य मूल्य पूरे वर्ष का औसत मूल्य होता है। और एक इस पर टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, बाजार मूल्य। ठीक है, बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। तो सामान्य मूल्य पूरे वर्ष के मूल्यों का औसत होता है। ठीक है, पूरे वर्ष के मूल्य हैं, जैसे मान लीजिए एक पेन है, इसका मूल्य 10 रुपए है। ठीक है, जनवरी में फिर फरवरी में ये 12 रुपए हो जाता है, फिर ये 8 रुपए मार्च में हो जाता है, फिर 9 रुपए हो जाता है, फिर 11 रुपए हो जाता है, फिर 12 रुपए हो जाता है, फिर 11 हो जाता है, फिर 10 हो जाता है, फिर 8 हो जाता है, इस तरह करके पूरे साल प्राइस चलता है। तो ये 10 रुपए से लेकर के हम 12 पे आ जाते हैं, फिर 8 पर आ जाते हैं, 9 पर आ जाते हैं, दिस इज द सिचुएशन ऑफ द मार्केट प्राइस। ये बाजार मूल्य है, मार्केट प्राइस है, विच इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा निर्धारित होता है। जबकि सामान्य मूल्य क्या होता है? औसत मूल्य होता है। वो सारे मूल्यों को उसके नंबर ऑफ द मंथ से डिवाइड करके हम निकालते हैं। तो इस प्रकार जब हम सामान्य मूल्य की एक लाइन प्राप्त करते हैं तो सामान्य मूल्य की लाइन हमें क्या बताती है कि अर्थव्यवस्था में जो सामान्य मूल्य होता है वो एक प्रकार की सीधी रेखा होती है। ठीक है, जिसको जनरल प्राइस बोलते हैं, जीपी कहते हैं, और जो बाजार प्राइस होता है इसके चारों तरफ ये चक्कर लगाता हुआ प्राइस हमको मिलता है। ठीक है, ये बाजार प्राइस है। आपने शेयर मार्केट में देखा होगा कि शेयर मार्केट में इस तरह के फ्लैक्चुएशंस आपको दिखाई पड़े होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो बाजार मार्केट प्राइस है वो सामान्य प्राइस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, ये कभी सामान्य प्राइस से ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, बट कितना क्या हो जाए ये दैट इज नॉट डिटरमाइन। देखिए कि ऊपर चढ़ने का यहां पर समय ज्यादा है लेकिन उतरने के बाद तुरंत रिकवर होने का टाइम कम है। तो इसमें फ्लैक्चुएशंस दैट इज कंपल्सरी, जो ये वेव्स हैं, लहरें होना कंपल्सरी है, बट द लेंथ ऑफ वेव्स, ठीक है, आपके पास एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ये जिसको आप लोग तरंग दैर्ध्य भी बोलते हैं, ये फिक्स नहीं होती है। फ्लैक्चुएशंस दिखाई पड़ेंगे बट टाइम पीरियड इज नॉट कंफर्म। तो इस प्रकार ये आपका बाजार मूल्य होता है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ये औसत मूल्य है और औसत मूल्य भी हो सकता है, औसत राष्ट्रीय आय भी हो सकती है, औसत रोजगार, मतलब हर चीज का एवरेज जरूर। ठीक है, और बाजार जो प्राइस होता है दैट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, हर जगह पर आपके कैरियर का औसत अलग होगा और आपका जो डेली आपके पास पढ़ाई का रूटीन का एवरेज निकाल सकते हो कि मैं एवरेज सर 4 घंटे पढ़ती हूं बट आज मैंने 6 घंटे पढ़ा,
कल आप 3 घंटे पढ़ सकते हो, परसों 2 घंटे भी हो सकता है। दैट इज मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप सेम फ्लक्चुएशंस पे चलो। ये मानव प्रकृति, ये प्रकृति है, ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर मशीन नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 8 घंटे पढ़ता है तो निश्चित रूप से उसका रूटीन टूटने वाला है। यही हमारा नेचर है, ठीक है? तो यानी फ्लैक्चुएशन इज द कंपल्सरी इन द लाइफ एंड दैट इज द कॉल्ड ट्रेड साइकिल, जिसे हम लोग ट्रेड साइकिल कहते हैं। अब बात आती है कि मैं आज आपको साथ चारों स्टेज को प्रॉपरली डिफाइन करने जा रहा हूं, लेकिन उन चारों स्टेज को डिफाइन करने के पूर्व आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, मैं ग्राफ पेपर्स के माध्यम से दिखा दूंगा, ताकि जब मैं चीजें आगे आपके साथ प्रेजेंट करूं तो उन चीजों को आप समझते जाओ। तो चार चीजों में मैंने बताया था कि जो ट्रेड साइकिल था, वो ट्रेड साइकिल में सबसे पहला जो स्टेज आपको मिला, वो स्टेज हमको जो मिला, वो सबसे पहले स्टेज मिला था हमको अवसाद का स्टेज मिला था, जिसको हम लोग डिप्रिशिएशन कहते हैं। फिर हमारे पास क्या हुआ कि दूसरा जो हमको स्टेज मिला, वो स्टेज मिला था रिकवरी का, पुनरुद्धार का स्टेज हमको मिला, ठीक है? जिसे हम लोग रिकवरी स्टेज के नाम से जानते हैं। अवसाद और पुनरुद्धार के बीच में हमको एक और स्टेज मिला था, दैट इज कॉल्ड द अनएम्प्लॉयमेंट स्टेज, जहां पर बेरोजगारी सबसे ज्यादा थी, एंड दिस इज द लोअर पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का सबसे न्यूनतम बिंदु भी हमको वहीं पर मिला था। यानी अर्थव्यवस्था चाहे जितने टूट जाए, बट इस लोअर पॉइंट के नीचे नहीं जा सकती थी, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास तीसरा स्टेज मिला, हमारे पास प्रॉस्पेरिटी मिला, समृद्धि की अवस्था इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बूम की अवस्था कहते हैं, इसको हम प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, ठीक है? और आगे हमको जो मिला वो मंदी मिला, चौथा। और मंदी को हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रिसेशन नाम दिया, ठीक है? रिसेशन नाम दिया। तो ये चार स्टेज इसी ऑर्डर में हर बिजनेस में हमको दिखाई पड़े, इसीलिए इसको बिजनेस साइकिल कहते हैं। एमबीए वाले बिजनेस साइकिल बोलते हैं और इकोनॉमिक्स वाले इसको ट्रेड साइकिल बोलते हैं। ट्रेड पूरे देश का होता है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स मदर सब्जेक्ट ऑफ द एमबीए का मदर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या होता है वहां पे बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस चीजों को ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। और मंदी, समृद्धि तथा मंदी के बीच में मुझे एक ऐसा पॉइंट मिला था, और उस पॉइंट को मैं फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज कहा था, और इस अर्थव्यवस्था इस स्टेज से ऊपर नहीं जा सकती थी, ठीक है? तो अर्थव्यवस्था इस स्टेज से नीचे नहीं जा सकती थी, और अर्थव्यवस्था इस स्टेज से ऊपर नहीं जा सकती थी। तो ये दो पॉइंट मुझे और ब्लिंक को हुए, और ये पॉइंट मुझे काफी सी सिचुएशंस को क्लियर कर रहे थे। अब देखिए, अगर क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं नेशनल इनकम के साथ ट्रेड साइकिल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन अगर मैं यही क्लास एमबीए वाली पढ़ा रहा होता तो मैं कॉटन इंडस्ट्री की बात करता, एक इंडस्ट्री लेकर के आपको ट्रेड साइकिल बता रहा होता, ठीक है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एमबीए एंड एमए इकोनॉमिक्स या ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, ये डिफरेंस होता है, ठीक है? तो अगर मैं नेशनल इनकम के साथ आपको ट्रेड साइकिल बना करके दिखाऊंगा, तो एक प्रकार का ओवरऑल पिक्चर आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि नेशनल इनकम में सारी इनकम, सारी इंडस्ट्रीज की इनकम को आप इंक्लूड करते हो, दिस इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो ना, ठीक है? तो चलिए मैं आपको आपके साथ बात करना चाहूंगा, और वो बात करना चाहूंगा नेशनल इनकम के साथ। तो नेशनल इनकम भी अब आपके पास दो प्रकार की हो जाएगी, एक हो जाएगी सामान्य राष्ट्रीय आय। सामान्य राष्ट्रीय आय क्या होती है, जो पूरे 12 महीने में जो नेशनल इनकम आती है, यानी सारे क्वार्टाइल में हमारे पास आती है, उनको हम योग करके डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाती है। एक होती है मंथली या क्वार्टरली नेशनल इनकम, जो फ्लैक्चुएट होती है, ठीक है? वो इकोनॉमी के ट्रेंड पर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, दैट डिसाइड, ठीक है? तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय होती है वो फ्लैक्चुएट करती रहती है, ठीक है? अब चलिए मैं इन दोनों राष्ट्रीय आय के इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करता हूं, बात करता हूं। तो चलिए हमारे पास क्या बनता है, ये आपके पास आधार अक्ष पर
मैंने टाइम जोन को लिया है, टाइम को लिया है, ठीक है। और लंब अक्ष पर मैंने नेशनल इनकम के कंपोनेंट को लिया है। यहां पर लंब अक्ष पर मैंने बोला आप इंडस्ट्री ले सकते हो, यहां पर क्लॉथ इंडस्ट्री ले सकते हो, स्टील इंडस्ट्री ले सकते हो, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपको जब एमबीए करते हो, एमए करते हो, रिसर्च करते हो तो आप, लेकिन मैं एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नेशनल इनकम लेना मुझे लगता है मच बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि नेशनल इनकम एक क्लियर पिक्चर है पूरी इकोनॉमी की, तो मैंने एक नेशनल इनकम को इसलिए यहां पे परपेंडिकुलर वाई पर लिया हूं। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एक्स एक्सिस आपका लंबा होता है और वाई एक्सिस आपका थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। जैसे आपका ये वन है तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये 0.75 रहेगा। ये पॉइंट थोड़ा से कुछ चीजें क्लियर कर लीजिएगा। आप देखिए ये आपके पास एवरेज नेशनल इनकम की मैंने स्पीड लाइन को मैंने ड्रा कर दिया। ये एवरेज नेशनल इनकम स्पीड है, दैट इज वाई वन एंड वाई टू। आपकी इकोनॉमी की ट्रेंड, ग्रोथ ट्रेंड को देख करके लग रहा है कि आपकी जो इनकम है ऐसे बढ़नी चाहिए थी, कैसे, वाई वन एंड वाई टू के, ओके। लेकिन हमने जब इकोनॉमी को एनालिसिस किया तो इकोनॉमी में एनालिसिस करने के बाद हमको कुछ ऐसे पॉइंट मिले कि अर्थव्यवस्था में जो आपका ट्रेड साइकिल था वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था। ऐसे बन रहा था, ठीक है। दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ द ट्रेड साइकिल। ये मैं रियल पिक्चर बना रहा हूं। ये ऊपर से भी हो सकता है, वो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के लिए मच बेटर है, लेकिन मैंने आपके साथ ओरिजिनल जो है ट्रेड साइकिल जैसे जनरेट होता वैसे एज इट इज मैंने यहां पर रख दिया है। अब देखिए इकोनॉमी में जहां पर एक ये पॉइंट है, ये सबसे लोअर पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी है। इकोनॉमी चाहे जितनी बुरी स्थिति हो जाए इकोनॉमी में, क्योंकि कंजप्शन इज द इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी। कंजप्शन जो होता है कंपल्सरी कंपोनेंट है। अगर इकोनॉमी को लोग खाना खाना छोड़ देंगे तो ये जो लोअर पॉइंट है ये यहां आधार अक्ष पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ऑटोनोमस कंजप्शन इतना क्या होता, कंपल्सरी स्टेज है। आप खाना खाओगे और उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, वो प्राइस से, वो प्रॉफिट से इंटरलिंक नहीं होगा। एवरी एक्टिविटी दैट इज डिटरमाइंड बाई प्रॉफिट, ठीक है, आई एग्री। मैं मुझे स्वीकार है कि हर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो लाभ के चक्कर में, मूल्य के चक्कर में डिटरमाइन होती है। लेकिन जब इकोनॉमी टूट रही होती है, इकोनॉमी आपकी बर्बाद हो रही होती है, तो वो एक जगह पर आकर के रुक जाती है, जहां पर लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट एंड प्राइस के लिए नहीं करते हैं, कंजप्शन को मेंटेन करने के लिए करते हैं। इसलिए आपका ये जो लोअर पॉइंट है जिसको कहते हैं कि दिस इज द लो पॉइंट, यानी इससे नीचे आपकी अर्थव्यवस्था नहीं जा सकती है, ये अर्थव्यवस्था को बांध के रखती है, ठीक है। क्योंकि लोगों को काम करना है अपने पेट को पालने के लिए, अपने खाने को मेंटेन करने के लिए, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बैड स्टेज हो सकती है। यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन इससे नीचे इकोनॉमी नहीं होगी। तो हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन किया तो क्लासिफिकेशन में इस जगह पर एक लाइन हमने डाल दिया, तो एक आपकी लाइन यहां पर हो जाती है और दैट इज कॉल्ड T1 पॉइंट, और ये आपके पास हो जाती है दैट इज कॉल्ड T2 पॉइंट, ये दूसरा T2 समय है, ठीक है। ये आपके पास मैंने A पॉइंट बनाया, दैट इज द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, जहां पे सबसे बुरी अगर अर्थव्यवस्था आपकी होती है तो A पॉइंट से नीचे आपकी अर्थव्यवस्था नहीं जाएगी, ठीक है। फिर अर्थव्यवस्था की एक जहां पर जो आपके पास मार्केट नेशनल इनकम है एंड एवरेज नेशनल इनकम दोनों बराबर हो जाती, इसको भी मैंने प्लॉट किया और T3 पॉइंट से मैंने शो कर दिया। और चौथा पॉइंट मैंने ये देखा कि अर्थव्यवस्था अगर आपकी बूम में जाती है, प्रॉस्पेरिटी में जाती है, तो जब अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं वो सब इंप्लॉयड हो जाएंगे, उसके बाद आपकी अर्थव्यवस्था फिर ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगी। मान लीजिए आपकी अर्थव्यवस्था में 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग सब जॉब में मिल गए, अब इन्वेस्टमेंट करो भैया किसको जॉब में लाओगे? तो दिस इज द अपर स्टेज ऑफ द इकोनॉमी, चाहे जितनी आपकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े, लेकिन जैसे इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएगी
आपकी इकोनॉमी की स्पीड डाउन हो जाएगी। इस समय अमेरिका यहीं पे है, नॉर्वे यहीं पर है, स्विट्जरलैंड यहीं पर है, क्योंकि वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पर है। अब ह्यूमन का जन्म एक रात में तो हो नहीं सकता ना, मशीन तो है नहीं ना कि रोबोट है, एक काम करे छोटे बच्चे को मशीन में डालिए, 18 साल का यंग पर्सन हो जाता है और उसको काम पे लगा दीजिएगा। आपको मिनिमम 18 साल तो वेट करना ही पड़ेगा ना एक बच्चे को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज, इसको हम लोगों ने नाम दिया कि अर्थव्यवस्था चाहे जितनी आपकी स्पीड से बूस्टअप करे, लेकिन जैसे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज आएगा, इकोनॉमी आपकी वहीं पर ब्रेक लग जाएगा और इकोनॉमी में वहीं से दूसरे लक्षण दिखाई पड़ेंगे। तो ये दो पॉइंट ऐसे पॉइंट आए, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट जहां पर सबसे ज्यादा था, और जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम था मैं कहूंगा दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। ठीक है, अब इसके पास हमारे पास पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ये आपके पास T4 हो जाता है और यहां पर हमारे पास जो हो जाता है वो T5 हो जाता है। अब देखिए पिक्चर क्लियर हो जाती है कि यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो ये स्टेज है, इस स्टेज को हम लोग नाम क्या देते हैं, इस स्टेज को मैं अवसाद की स्थिति कहता हूं। ठीक है, अवसाद है, डिप्रेशन है। अवसाद अर्थव्यवस्था का वो काल होता है जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस उसकी लागत से भी कम हो जाए। क्लियर है? इतना प्राइस कम हो जाता है कि उत्पादक की लागत फुलफिल नहीं होती है और एक्चुअल में मैं कहूं कि प्रोड्यूसर लॉस में जाने लगता है। वो क्या करता है, तुरंत प्लांट बंद करने का डिसीजन लेता है, भैया हमारे बस का नहीं है। जब प्लांट बंद करेगा तो इकोनॉमी के नेशनल इनकम कंटिन्यू डिक्लाइन करती चली जाती है। मल्टीप्लायर आपको बता रहा है कि जैसे ही एक प्रोड्यूसर को इसमें प्राइस, मैं आपको ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना पड़ेगा कि अवसाद बाजार की वो दशा होती है जिसमें वस्तु का बाजार मूल्य उसकी कॉस्ट से भी कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप यहां पे जो प्रोड्यूसर होते हैं उनका प्रॉफिट निगेटिव हो जाता है, यानी लॉस पे चलने लगते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करता है, यानी निगेटिवली इफेक्टेड होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है और यहीं पर अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर उल्टा काम करता है और राष्ट्रीय आय को कई गुना गिरा देता है और हम यहां पर A1 पॉइंट से A2 पॉइंट पर आ जाते हैं। लेकिन अब आप बताओ एक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कब तक कम करेगा, कहां तक कम करेगा? तो T2 टाइम पर A2 से नीचे नहीं कम कर सकता है, चाहे जितना मार्केट में प्राइस घट जाए। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा स्टेज आएगा ना कि भैया आप मुझे खाने के लिए तो दे दीजिए, मैं केवल पेट चलाने के लिए काम करूंगा, मुझे इतना कम वेतन दे दीजिए कि मेरे परिवार चल सके। अर्थव्यवस्था A2 पर आकर के फंस जाएगी। A2 एक प्रकार से लोअर लिमिट बैरियर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस टेक्निकल वर्ड को, A2 आपका लोअर लिमिट बैरियर ऑफ द इकोनॉमी है, यानी अर्थव्यवस्था अब इससे नीचे नहीं आ सकती है। यानी अब अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट तो आप तो ये समझ गए हो कि जो कंजप्शन हमारा हैबिट है, क्योंकि पेट ये कभी नहीं देखेगा आपका ना कि यू आर इन प्रॉफिट और यू आर नॉट इन प्रॉफिट, यू आर इम्प्लॉयड और यू आर नॉट इम्प्लॉयड, उसे तो खाना चाहिए ना दोनों मीटिंग, और जब खाना चाहिए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्थव्यवस्था में होगी। भाई आपको खाना चाहिए, ठेले वाले को भी खाना चाहिए, दुकान वाले को भी खाना चाहिए, तो भले चाहे जितने कंपनी लॉस पे हो, लेकिन कोई प्रोड्यूसर जब देखेगा लॉस पे ही पूरा जा रहा तो कभी बंद नहीं करेगा, क्योंकि परिवार कहीं ना कहीं तो चलाना है ना उसको। कहेगा एक काम करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कह करते हैं नया, उसी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं, उसी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं, भले लॉस पे हम कुछ दिन चलते हैं, चलने तो कोई बात नहीं। तो इकोनॉमी लास्टली आपको A2 पॉइंट पर आकर के डिप्रेशन में होने के बावजूद भी आकर के फंस जाएगी। इकोनॉमी में प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्लाइन करेगा, इंप्लॉयमेंट डिक्लाइन करेगा, इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करेगा, नेशनल इनकम डिक्लाइन करेगी, लेकिन यह डिक्लाइन का एक लोअर बैरियर डिटरमाइन हो जाएगा और जिसको कहते हैं कि यहां पर फुल इंप्लॉयमेंट हाईली हो जाएगा। यह सिविल में पूछा गया था,
कि ट्रेड साइकिल को पॉइंट को बताइए जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा होता, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन का लास्ट स्टेज है। अर्थव्यवस्था जब सबसे लोअर स्टेज में फंस जाती है, ठीक है, तो निश्चित रूप से पानी के नल खराब होंगे, निश्चित रूप से रोड खराब होंगे, निश्चित रूप से आपके जो सर्वाइवल आइटम्स हैं वो टूटने लगेंगे। जब सर्वाइवल आइटम टूटेंगे तो गवर्नमेंट को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आकर के। और मैंने आपसे एक वर्ड बोला था कि गवर्नमेंट ही ऐसा सेक्टर है जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करता है। रोड टूट गई है, बाढ़ आ गई है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी फेल्ड हो चुकी है, गवर्नमेंट ने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया, एक रोड बनाने का कर दिया कि अरे यार रोड बहुत खराब है, यहाँ बच्चे गिर जाएंगे तो इनके चोट लग जाएगी, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, तो सरकार ने क्या कि इस पर रोड बना दो, कुछ लोगों को जॉब मिल गया, वहीं से इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रारंभ हो जाएगी, हम स्टेज पर कहां पे आ जाएंगे, रिकवरी स्टेज पर काम करने लगेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ए टू पॉइंट पर, वो समाप्त होने के स्टेज पर आ जाएगा। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट उसको करना ही करना पड़ेगा। और ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, इकोनॉमी को फिर से लीड करने प्रारंभ कर देगा। लेकिन ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इतना सफिशियंट नहीं होगा कि अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को रोजगार दे सके। ठीक है, अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को रोजगार दे सके तो अब क्या होगा, लेकिन ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी को फिर से स्पीड अप करने लगेगा। ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में आपने देखा ही होगा कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि डेल्टा आई ए का मान बढ़ेगा, डेल्टा आई ए का मान बढ़ने से के धनात्मक दिशा में काम करेगा और डेल्टा वाई बढ़ेगा। जब डेल्टा वाई बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो लोग कहेंगे यार एक काम करते हैं, पेट तो चला लेते हैं, पहले खाना तो अच्छे से खा लेते हैं दोनों मीटिंग। ठीक है, जैसे डेल्टा वाई का मान बढ़ेगा, इकोनॉमी में डेल्टा डी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और इकोनॉमी में जैसे डिमांड बढ़ेगा प्राइस लीड करने लगेगा, प्राइस फिर से बढ़ेगा। बट अभी भी प्राइस बढ़ तो रहा है, बट एवरेज प्राइस से अभी भी प्राइस कम रहेगा। लेकिन प्रोड्यूसर को एक प्रकार की लालसा जगेगी कि लगता है प्राइस बढ़ रहा है, मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इक्वल हो सकती है अगर इसी बिजनेस में मैं बना रहा। तो एक प्रकार की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड जनरेट होगी कि यार लॉस कम होने लगा है, निश्चित रूप से मुझे इसी बिजनेस में बने रहना चाहिए। तो इस स्टेज में आपकी इकोनॉमी में प्राइस राइज होता है, बट ये प्राइस एवरेज प्राइस से कम रहेगा। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, बट ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, नॉट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। मल्टीप्लायर पॉजिटिवली काम करता है, बट स्लो स्पीड में काम करता है। लोगों की इनकम बढ़ती है, बट उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, बट बढ़ती है। और इकोनॉमी में पॉजिटिव लक्षण दिखाई पड़ते हैं, बट एवरेज से अभी भी ये लक्षण कम है। जैसे ना क्रिकेट मैच में एक टारगेट 300 का हो और 6 बल्लेबाज 10 रन पे आउट हो जाए और कोई 3 रन बना ले तो लगता है उम्मीद जग गई है, अरे 3 रन तो बना लिया कम से कम, वही लक्षण होते हैं। लेकिन अभी भी हमारा लक्ष्य बहुत दूर है, हमारा जो बैट्समैन है वो एवरेज से भी बहुत कम परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इस स्टेज को हम लोगों ने नाम दिया रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज में इकोनॉमिक ग्रोथ के सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, बट ये सिम्टम्स एवरेज लाइन से नीचे होते हैं, उम्मीद जगा देते हैं, लेकिन इस पर कोई भी थ्योरम डेवलप करना बेवकूफी होती है। अर्थव्यवस्था कभी कभी डेवलप होते होते अंत में कहां पे आ जाती है, A3 पॉइंट पर आ जाती है, दैट इज A3 पॉइंट। इस पॉइंट पर एक प्रोड्यूसर के जो प्रोडक्ट का प्राइस है और बाजार का जो प्राइस है दोनों समान हो जाते हैं। अब प्रोड्यूसर राहत की सांस लेता है कि चलो कम से कम मुझे उतना तो मिल रहा जितना मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, उतना तो मिल रहा जितना लेबरों को मैं दे रहा हूं। राहत की सांस लेता है कि चलो इकोनॉमी कम से कम बहरहाल
आई तो कभी कभी भारतीय टीम क्या करती है, संघर्ष करती है, कभी कभी लगता है 100 रन बना ली, चलो अरे सम्मान तरीके से तो हारेंगे ऐसा लगा करता है ना, जीतने की उम्मीद नहीं हम करते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में फिर ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि अर्थव्यवस्था में अब जो प्राइस है, बाज मार्केट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस से ऊपर हो गया है। इकोनॉमी में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट नहीं, अब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा है, और जिसके परिणाम स्वरूप मल्टीप्लायर पॉजिटिवली काम कर रहा है और नेशनल इनकम को रैपिडली ग्रो कर रहा है, ऐसे लक्षण आने लगते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहां पे हुआ? रिकवरी स्टेज पे, ये रिकवरी स्टेज था। लेकिन प्रॉस्पेरिटी स्टेज पे इकोनॉमी में अब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, डिमांड एंड सप्लाई पावरफुली काम करने लगते हैं, एंड मार्केट प्राइस जो होता है वो एवरेज प्राइस से अच्छा परफॉर्मेंस करने लगता है, इकोनॉमी में इंप्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, और इकोनॉमी में इंप्लॉयमेंट बढ़ने के साथ साथ लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग प्रॉफिट ज्यादा होने के कारण निवेश करने लगते हैं। सरकार को अब कोई भूमिका नहीं रहती है, सरकार मार्केट मैकेनिज्म को छोड़ देती है, ऑटोनॉमस सरकार को इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, लोग एनजीओ आते हैं, अरे रोड टूटी लाओ हम बना देते हैं, सरकार को ध्यान ही नहीं है, सरकार कहती है अरे क्योंकि उनको नीड्स है। कभी कभी आपने देखा होगा मोहल्ले में नाली जाम चल रही है, मोहल्ले के चार लोग कहते हैं अरे इससे हमारे बच्चों को नुकसान हो रहा है, चलो हम हिसाब कर देते हैं, क्योंकि उनको जरूरत है मार्केट मैकेनिज्म की। अब गवर्नमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पे खर्च नहीं करती है, मार्केट मैकेनिज्म काम करने लगता है, इकोनॉमी में प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमी काम करने लगती है, एंड प्राइस जो होता है वो मार्केट प्राइस हो जाता है, और मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन जनरल प्राइस हो जाता है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्गली आगे की ओर बढ़ना चालू करती है, और जो एवरेज स्पीड ऑफ द इकोनॉमी है, देखिए जो एवरेज स्पीड ऑफ द इकोनॉमी है, उस एवरेज स्पीड से इकोनॉमी की स्पीड बहुत तेज होती है, चारों तरफ खुशी का माहौल दिखाई पड़ता है। हाँ, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, देखो मैंने बार बार बोल रहा हूं कि यहां पे बाजार प्राइस सामान्य प्राइस से ज्यादा तेजी से बढ़ता है, और याद रखना जब बाजार प्राइस, ठीक, मार्केट प्राइस सामान्य मूल्य स्तर से तेजी से बढ़ेगा, तभी तो असामान्य लाभ होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्रोड्यूसर को प्राप्त होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्रोड्यूसर को प्राप्त होगा, और ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के चक्कर में लगातार नए प्लांट खोलता चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई पड़ेगा, और ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ही है जो इकोनॉमी में मल्टीप्लायर को बहुत स्ट्रांग करता है और इकोनॉमी में लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन ये प्रक्रिया को अचानक धक्का तब लगता है जब आपकी अर्थव्यवस्था में जितने लेबर थे सबको जॉब मिल गई, अचानक आपकी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में ब्रेक लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोड्यूसर निवेश तो करता है लेकिन लेबर मार्केट में लेबर ही नहीं मिल रहे हैं। अब वो प्रोड्यूसर कहता अब मैं क्या करूं, प्रोड्यूसर क्या कहेगा, अब मैं क्या करूं, मुझे तो लेबर ही नहीं मिल रहे हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं, तो वो इन्वेस्टमेंट वहीं पर रोक देता है, क्योंकि इन द लैक ऑफ द इंप्लॉयमेंट मार्केट में जो लेबर है, लैक ऑफ द लेबर इन द इंप्लॉयमेंट मार्केट में, वो एक बहुत बड़ी क्राइसिस को दर्शाने लगता है, क्योंकि इकोनॉमी में जितने लेबर थे वो सब फुल एम्प्लॉयमेंट पे जा चुके हैं। फिर से क्या होता है, जैसे प्रोड्यूसर ये ब्रेक लगाता है इकोनॉमी रुक जाती है, और फिर हमारे पास एक नए स्टेज को जन्म देती है, और वो स्टेज होती है मंदी की अवस्था, जिसको कहते हैं रिसेशन। यहीं से आपके रिसेशन का जन्म होता है। अर्थव्यवस्था में जिस स्पीड से निवेश एक पूंजीपति कर रहा था फुल इंप्लॉयमेंट होने के कारण, उस इन्वेस्टमेंट को रोकना पड़ा, और जब इन्वेस्टमेंट रेट, मैं फिर से टेक्निकल शब्द यूज कर रहा हूं यहां पे, इन्वेस्टमेंट रेट कम हो गया क्योंकि इंप्लॉयमेंट मार्केट में लेबर समाप्त हो गए, तो इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करना पड़ा, और जैसे डेल्टा वाई को हम आई को कंट्रोल करते हैं, मल्टीप्लायर कम पावरफुल हो जाता है।
और इकोनॉमी में नेशनल इनकम तो बढ़ती है बट पहले की अपेक्षा कम, लेकिन एवरेज से अभी भी ज्यादा है, एवरेज से अभी भी ज्यादा है। इकोनॉमी डाउन होने लगती है, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर पहले 12% थी, अब 11% हो गई है, एवरेज 6% से अभी भी हम ऊपर है, बट इकोनॉमी डिक्लाइन करना प्रारंभ कर दी है। लक्षण सिम्टम्स क्या होते हैं? वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य गिरने लगता है, लेकिन सामान्य मूल्य स्तर से अभी भी ऊंचा रहता है, सामान्य मूल्य स्तर से यहां पर अभी भी ऊंचा रहता है। तो मंदी के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी की स्पीड डिक्लाइन करती है, बट इतनी ज्यादा डिक्लाइन नहीं करती है कि वो सामान्य स्तर से नीचे चली आए, लेकिन सामान्य स्तर की तरफ उसका झुकाव होने लगता है। ठीक है, सामान्य स्तर को जनरल इक्विलिब्रियम की तरफ हम लोग जाने लगते हैं, और जब जनरल इक्विलिब्रियम की तरफ जाने लगते हैं तो एक डर पैदा होता है, अनसर्टेनिटी पैदा होती है कि कहीं हम डिप्रेशन में तो ना चले जाएं, अवसाद में तो ना चले जाओ। अवसाद कब होगा? जब सामान्य प्राइस स्तर से भी हम नीचे चले जाएंगे। अगर हम पॉइंट इसको क्रॉस कर गए, इस पॉइंट को अगर इसी स्पीड में प्राइस गिरा, ठीक है, स्पीड गिरी इकोनॉमी की, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं कि हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। तो मंदी का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट के लक्षण, चाहे वो इंप्लॉयमेंट मार्केट हो, चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट हो, चाहे वो प्राइस मार्केट हो, चाहे आपका जहां भी प्रॉफिट मार्केट हो, यहां पर गिरावट दर्ज की जाती है, लेकिन यह गिरावट बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यह जब ज्यादा होती है तो हम लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे और यहां पे चले जाएंगे। तो यहां पर प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर नया इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कहां पर? मंदी में। लेकिन डिप्रेशन में जो इन्वेस्टमेंट किया रहता उन प्लांट को भी बंद कर देता है। लो भाई साहब, हमने 5 प्लांट लगाए थे, उन प्लांट को भी बंद कर देता। मंदी की अवस्था में क्या करता? उन प्लांट को तो जारी रखता बट नया निवेश बंद कर देता है। और प्रॉस्पेरिटी में एक प्रोड्यूसर क्या करता? नए नित्य नए प्लांट लगाता चला जाता है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट बिहेवियर पॉजिटिव होता है, यहां पर मंदी की अवस्था में इन्वेस्टमेंट बिहेवियर कॉन्स्टेंट होता है, डिप्रेशन में जो इन्वेस्टमेंट बिहेवियर होता है वो आपका डिक्लाइन होता है, अपनी कंपनियां बंद करना चालू कर देता है। तो इस प्रकार के लक्षण हमको अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ते हैं, और आपको अगर इस प्रकार के कहीं लक्षण दिखाई पड़े तो ये निश्चित रूप से लक्षण से आप पहचान जाओगे कि हम अर्थव्यवस्था की किस स्टेज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, शायद मैंने सारे कैरेक्टरिस्टिक को एक पॉइंट पर एक ग्राफ में सेंट्रलाइज कर दिया हूं, अब आपको शायद बहुत अच्छे तरीके से चीजों को क्लियर करने में आसानी हो जाएगी। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को डेटा आकर आपको दिखाई पड़ेगा, तो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का डेटा आप इजीली एनालिसिस कर सकते हो कि ये इकोनॉमी किस पे, प्रॉस्पेरिटी है, रिसेशन है, डिप्रेशन है या रिकवरी स्टेज पे है। यू कैन इजीली आप कैरेक्टरिस्टिक देख करके बता दोगे कि सर ये स्टेज पे चल रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ग्राफिकल से मैंने चीजों को क्लियर कर दिया, इन्हीं चीजों को मैंने बताया है लिख लिख करके। ठीक है, वो अब मैं इसकी रीडिंग नहीं करूंगा, वो आप अच्छे से कर लोगे। तो मैं इसका फिर भी मेन पॉइंट हो कि जो आपके पास रिसेशन होता, मंदी की अवस्था होती है, और मंदी की अवस्था के लिए मैं ग्राफ बनाता हूं कि जो आपका फुल इंप्लॉयमेंट है, ये फुल इंप्लॉयमेंट है, और ये फुल इंप्लॉयमेंट से जो हम इस स्टेज पे चलते हैं इसको हम मंदी की कहते हैं। इसमें उत्पादन और रोजगार स्तर में भारी गिरावट होती है। ठीक है, व्यवसायिक क्रियाओं में क्या होता है? गिरावट हमको दर्शाने लगती है, और अर्थव्यवस्था में विनियोजन की कमी कारण उत्पादक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में सब कुछ निगेटिवली इफेक्टेड होने लगता है बट सामान्य स्तर से ऊपर रहता। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जर्नल जो आपके पास एक एवरेज लाइन होती है, उस इमेजिनरी लाइन होती है एवरेज लाइन, उससे ऊपर भी अभी भी रहता है। ठीक है, और इसमें आपके पास क्या होता है? जो इनमें लगे हुए, रोजगार में लगे हुए व्यक्ति होते हैं उनकी वास्तविक आय, रियल इनकम बहुत तेजी से डिक्लाइन करती है, मौद्रिक आय घटने लगती है, जो उनके लाभ होते हैं वो डिक्लाइन होने लगते हैं, और इनइक्वलिटी इकोनॉमी में दिखाई पड़ती है। जो आपके पास एंटरप्रेन्योर होते हैं वो मोटिवेशन जो फैक्टर्स होता है
उनका समाप्त होने लगता है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाता है कि देखो लाभांश का हिस्सा इतना कम हो जाता है कि ब्याज का हिस्सा उसमें बढ़ जाता है और जिससे पूंजीपति निराश होने लगते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक उसमें दिखाई पड़ते हैं और ये हमारी मंदी कहलाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसी में कच्चे माल, कृषि उपजों की कीमतें जो हमारे पास तैयार होती हैं, इन कीमतों को क्या होता है कि काफी अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मंदी की स्टेज पे काम कर रहे होते हैं। तो उन लक्षणों को मैंने आपके साथ यहाँ पर सारी चीजों को डिफाइन किया है और आप देख सकते हो कि इसपे जब आपकी मंदी होती है तो मंदी काल में निम्न विशेषताएं आपको तेजी से दिखाई पड़ती हैं, जैसे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी प्रारंभ होने लगती है। बड़े पैमाने में क्या मान के चलिए कि बेरोजगारी स्टार्ट यहां से होती है और इसकी डिग्री बढ़ती चली जाती है। पहले 2% बेरोजगार, फिर 4, फिर 8, फिर 12, ऐसे अर्थव्यवस्था में न्यून मजदूरी, न्यून आय, न्यून कीमतें और न्यून लाभ की तरफ हम लोग अग्रसारित हो जाते हैं। ठीक है, न्यून अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार भी हमारा प्रभावित होने लगता है निगेटिवली, और न्यून ब्याज दर, हमारी जो अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें होती है वो प्रभावित हो जाती है, और निराशाजनक हमारे पास जो आर्थिक परिवेश बनता है वो बहुत निराशाजनक हो जाता है और हम लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन स्टेज पे आ जाते हैं, क्योंकि हमको डर लगने लगता है कि हम कहीं अवसाद में गए। तो यानी अवसाद का मतलब होता है कि सर्वाइवल स्टेज पे हम जीने लगेंगे। ठीक है, तो इन विशेषताओं को मैंने इस स्लाइड में बहुत अच्छे से आपके साथ डिफाइन किया है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी वाले दोनों बच्चे इसको प्राप्त कर सकते हैं, मैंने ग्रुप में शेयर भी करके रखा हूं। तो आज मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रेड साइकिल पे बात किया, सारे फेज पे मैंने विस्तृत चर्चा किया। अब आपके कोई प्रश्न हो तो मेरे साथ जरूर डिस्कस करिएगा।